आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रागी कुकीज़। ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होता है। और आज के आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे कि मैं इसे बिना ओवन के और ओवन में दोनों तरीका बता रही हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो बनाने में। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। रागी फ्लोर कुकीज़ बनाने के लिए एक बर्तन में हम घी डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है और मेजरिंग कप से 80 ग्राम के करीब हम घी का इस्तेमाल करेंगे। घी को पूरा नहीं पिघलाएं या फिर बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखें। रूम टेम्परेचर पे ऐसी वाली जो घी होती है ना, वैसा ही यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पर ये घी डाल दिया मैंने। घी डालने के बाद हम पहले इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो अगर आपके पास हैंड मिक्सर है तो उसे फेंटें, नहीं तो विस्कर से भी आप फेंट सकते हैं। हैंड मिक्सर से ये काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमने घी को अच्छे से स्मूथ कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तब हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ चीनी। तो मेजरिंग कप से यहाँ पे 50 ग्राम पिसा हुआ चीनी डाल दें। अगर आपके पास पिसा हुआ चीनी नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी को भी ग्राइंडर में पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम घी और चीनी को ऐसे मिक्स करेंगे और उसके बाद ऐसे हैंड मिक्सर से इसे फेंट लेंगे। तो इसे ऐसे आधे मिनट के लिए आप चलाएँ। घी और चीनी को हमें तब तक फेंटना है जब तक इसका कलर ऐसे लाइट नहीं हो जाए, जैसे मक्खन होता है ना वैसा ना दिखने लगे। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे रागी का आटा। तो यहाँ पे 50 ग्राम रागी का आटा इस्तेमाल किया है मैंने, इसे नाचनी भी बोलते हैं। ये देखिए ये ऐसा दिखता है, ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो हम इसे क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे और इसके साथ बाइंडिंग के लिए हम 2 चम्मच मैदा या फिर आटा का इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/4 छोटा चम्मच हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। तो यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा डाल दें और इसके साथ हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों की ज़रूरत होगी। तो बेकिंग सोडा हमने 1/4 छोटा चम्मच से कम डाला और ये वाला 1/4 छोटा चम्मच डाल देंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध डाल दें। दूध डालने से जो हम कुकीज़ बनाएंगे ना उसमें जाली अच्छी आएगी। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। अगर आपका ये जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और 2-3 ड्रॉप्स दूध का मिला सकते हैं। लेकिन अगर ये गीला हो गया ना तो आप इसमें थोड़ा सा रागी फ्लोर और मैदा या आटा मिला सकते हैं। तो यहाँ पे इसे मिक्स करने के लिए आप हाथों का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे कि हमारा जो डो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो। उसका जो टेक्स्चर है ना वो ऐसा होना चाहिए, ये देखिए। तो आप थोड़ा सा ऐसे हथेलियों पर ले के और उसे ऐसे शेप दे के देखिए। तो यहाँ पर ये डो एकदम परफेक्ट है। तब हम चलते हैं कुकीज़ बनाने के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे ये ओवन वाले ट्रे को ग्रीस करके रखा है घी से। आप चाहिए तो इसके ऊपर बटर पेपर डाल सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे ऐसे पेड़े जैसा बना के और उसके बाद ऐसे रख दें। ध्यान रहे कि कुकीज़ का जो शेप है वो बेक होने के बाद पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा इसे नहीं बनाएं। तो आप चाहिए तो इसे ऐसे बेक करें या इसके ऊपर थोड़ी सी सजावट कर सकते हैं। तो या तो बादाम या फिर कटे हुए काजू आप इसके ऊपर ऐसे रख सकते हैं। जो भी आप काजू या बादाम लगा रहे हैं उसे हल्का सा प्रेस कर दें ताकि ये इसके ऊपर सेट हो जाए। तो ये ओवन वाली कुकीज़ हो गई। सेम प्रोसेस से हम कुकर या कढ़ाई में जो बेक करेंगे उसे भी ऐसे बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे कढ़ाई में बेक करने वाली हूँ। तो आप चाहिए तो केक टिन के ऊपर बटर पेपर लगाएं या फिर घी से उसे ग्रीस कर दें। तो यहाँ पर ये 4 कुकीज़ मैंने बना ली है। इसके ऊपर भी काजू चिपका दे रही हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। तो मैं इसे कढ़ाई में बेक करने वाली हूँ। कढ़ाई में मैंने नमक नहीं डाला है, बस खाली कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है 10 मिनट के लिए। कढ़ाई में आप स्टैंड रख दें ताकि ये बर्तन जो है वो बेस में चिपके नहीं। कढ़ाई की जगह प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसका सीटी और रबड़ निकाल दें। तो यहाँ पर ये कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी है। ये देखिए मैंने नमक नहीं रखा है, बस एक स्टैंड रख के उसे गर्म किया था 10 मिनट के लिए। अब हम ये केक टिन रख देंगे और ढक के 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, मतलब बेक करेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखें और सेम तरीके से हम इसे ओवन में रख देंगे। ओवन को मैंने 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट किया है। तो यहाँ पे कुकीज़ रखने के बाद हम यहाँ पे टेम्परेचर 180 डिग्री करेंगे और टाइमर जो है वो 15 मिनट का लगा देंगे। तो ध्यान रहे कि प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री पे 15 मिनट ही इसे बेक करना है। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं समय लगता है इस कुकीज़ को बेक होने के लिए। तो यहाँ पर कुकीज़ जो है वो ये देखिए फूलने लगी है। तो जैसे ही 15 मिनट हो जाएंगे टाइमर को ऐसे बंद कर दें और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें, उसके बाद ही कुकीज़ को ट्रे से निकालें, नहीं तो ये टूटने लगेंगे। और यहाँ पे ये कढ़ाई वाला जो है ये भी पक गया है, तो हम यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं।
तब हम क्या करेंगे, दोनों को ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद केक टिन और ट्रे से निकालेंगे। तो ये वाली कुकीज़ हमने कढ़ाई में बनाई और दूसरी वाली अवन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुकीज़ जो है वो दोनों साइड से बहुत अच्छे से बेक हुआ है। तब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इन कुकीज़ को एयर टाइट जार में रख के 2 हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अगर आपको हेल्दी कुकीज़ खाना है तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं। तो आप इस रागी फ्लोर की कुकीज़ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये कुकीज़ आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक कुकीज़ तोड़ के दिखाती हूँ कि इसका क्रंच कैसा है। तो ये देखिए, है ना एकदम परफेक्ट दुकान जैसा। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।